गुरुदेव, जब कभी भजन करने के लिए बैठता हूँ तो ये मन रुकता ही नहीं। इसको रुकने का कुछ उपाय गुरुदेव बताओ। परमात्मा के चिंतन के लिए जब भी बैठता हूँ इतनी तेजी से भागता है, ये संभाले ही नहीं आता है। तो भजन उत्तम है या कीर्तन जोर जोर से बोल के किया जाए वो उत्तम है, इसका समाधान। बहुत अच्छा राम बाबू जी, आपने जो पूछा है यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। ये हमारा चंचल मन मत कर मत डालता है, बहुत चंचल मतवाला है। इसको रोकना ऐसा लगता है हवा को रोकने के बराबर। कोई पवन के वेग को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। उसी तरह से इस मन को रोका नहीं जा सकता। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन एक का असंभव नहीं है, का अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो शस्त्र दिया, एक तो अभ्यास, दूसरा वैराग्य। भाई साहब, यानी मन को रोकने का अभ्यास जारी रखिए। जहां भी आप भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए। दूसरा, मन में वैराग्य का भाव भी लाइए। बहुत विषयों से, बहुत बातों से वैराग्य जरूरी है। दोनों होगा तब मन जो है रुकेगा। और सहज तरीका, यदि आप पूछते हो, सहज तरीका है कि मन को रोकने के बजाय मन को मोड़ दीजिए, भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, उसको लगाइए। मन कहता है कि भागो, आप खड़े हो जाइए और जोर जोर से नाच नाच के कीर्तन करिए, उछल उछल के करिए। आधा घंटे के बाद शरीर के साथ मन भी थक जाता है। मन तो थकत थकत थक जाए, है ना। बिन थाके तेरे काजन सरी है। जब तक मन थकेगा नहीं तो इसके लिए भाई साहब शरीर को भी थकाना जरूरी होता है। परिश्रम भी करिए, उसके बाद भजन करिए। भजन में भी क्या है, मन को रोकने का एक छोटा सा तरीका आप सबको बताता हूँ। जैसे आप बैठे आप भजन करने, आंख बंद करिए और अपना जो भी मंत्र है आपका, छोटा होना चाहिए मंत्र, उस मंत्र को दो भागों में कर लीजिए। सांस लेते हुए आधा बोलिए, सांस बाहर करते हुए भी आधा बोलिए, दो पार्ट में बोलिए। तो आप ये काम मन में करिए और सांस लीजिए लंबी लंबी और छोड़िए भी लंबी लंबी। प्रत्येक सांस में आप आंखें बंद कर लीजिए, अपना ध्यान दोनों भ्रुकुटी के मध्य में रखिए और मन पर रखिए कि मन आ रहा है, और सांस पर रखिए कि प्रत्येक सांस में नाम स्मरण हो रहा है। मात्र दो मिनट में आपका मन स्थिर होता है। आप करके देख लेना, अधिक नहीं करना पड़ेगा। जी।